अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। जी व्यूवर्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही सिंपल और सादा और हल्का फुल्का सा गोश्त, जिसको हम रोश भी कहते हैं और आम जुबान में हम इसको नमकीन गोश्त भी कह सकते हैं। इसके लिए मैंने ये मटन का गोश्त लिया है और इसके मैंने इस तरह से बड़े बड़े पीसीज ले लिए हैं और इसके साथ चर्बी भी शामिल है। हल्की हल्की चर्बी जो है वो हमने लाजमी इसके साथ लेनी है, क्योंकि हमने इसको जो है वो पानी में एज इट इज़ ही पकाना है। साथ में इसके मैंने थोड़े से वैसे पीसेस लिए हैं, ये भी चर्बी के ही हैं, और साथ में ये एक हड्डी ली है, इसको भी हम इसके साथ ही पकाएंगे। अब हमने इसको 1.5 टीस्पून नमक लगाएंगे और इसको 20 मिनट तक के लिए ऐसे छोड़ देंगे। जी व्यूवर्स, 20 मिनट हो चुके हैं, गोश्त ने जो है वो थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसको पतीले में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे हमने एक पतीला ले लिया, अगर आपके पास गोश्त ज्यादा है तो आप बड़े साइज का पतीला ले लें। अब हम इसमें गोश्त को इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 7 से 8 लहसुन के जवे और 2 मीडियम साइज का प्याज मैंने लिया है, वो हम इसको एज इट इज रख देंगे, जस्ट इसका फ्लेवर आएगा इसमें। अब हम इसमें शामिल करेंगे 10 से 15 काली मिर्च और इसमें अब कुछ भी नहीं जाएगा। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमने इतना ऐड करना है कि इसमें अच्छी तरह ये सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे 1 से 1.5 या 2 घंटे तक के लिए, जब तक ये सॉफ्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 लीटर पानी इसमें शामिल करना है। अब हमने इसको कवर करना है। कवर करने के लिए जो है हम रोज आम आटा हमारे पास होता है, उसको हमने इनके साइड्स पे, पतीले के साइड्स पे लगा लेंगे। आटा हमने यहाँ पे लगा लिया है। यहाँ पे मैंने एक साइड पे जो है वो थोड़ा सी जगह छोड़ दी है, ताकि ये स्टीम जो है वो हल्की हल्की सी बाहर आए और ज़्यादा ख़राब ना हो हमारा। अब हम इसके ऊपर इसको कवर कर देंगे इस तरह से और इसको दबा देंगे। अच्छी तरह से अब कवर हो गया। अब हम इसको चूल्हे पे रखेंगे। सबसे पहले आंच मैंने यहाँ पे तेज रखी है, ताकि स्टीम हमारी अंदर बन जाए। जब स्टीम बन जाएगी तो उसके बाद हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम कर देनी है, इतनी जितनी हम लोग चावलों को दम लगाते हैं बिल्कुल इतनी हम इसको कर देंगे और तकरीबन 1.5 घंटे तक कम अज़ कम इसको हम पकाएंगे। जी व्यूअर्स, अब हमने इसको जो है बिल्कुल हल्की मैंने इसकी फ्लेम कर दी है, क्योंकि स्टीम जो है वो स्टार्ट हो गई है। जो हमने एक साइड से जो हमने सुराख रखा था, उसमें से हमें यहाँ से फील हो रहा है कि यहाँ से ना भाप निकलना शुरू हो गई है। तो अब हमने इसको हल्की आंच पे मज़ीद पकाना। जी व्यूअर्स, 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसकी फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है और इसको मज़ीद थोड़ा ठंडा होने देंगे, क्योंकि अभी भी इसमें से स्टीम काफ़ी निकल रही है। छुरी की मदद से हम इसके जो आटा है इसको कट कर लेंगे। चारों साइड से हमने इसको घेर लिया है, अब छुरी की मदद से ही हम इसको खोल लेंगे। बिस्मिल्लाह, देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है, बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो चुका है। ये यखनी भी हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। जी व्यूअर्स, मज़ेदार सा नमकीन गोश हमारा बनके तैयार है। माशाल्लाह बस से बहुत ही ज़बरदस्त और सॉफ्ट बना है। इसकी सॉफ्टनर आप चेक कीजिए, ये देखें बिल्कुल बहुत आसानी से टूट रहा है और इसकी लुक माशाल्लाह देखें बहुत ज़बरदस्त आई। बहुत ही हल्का लाइट वेटेड सा ये हमारा गोश तैयार हुआ है। आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और इसकी यखनी को भी इंजॉय कीजिएगा साथ में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।